पीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ संगम रॉय। कटिहार जिले के कदवार प्रखंड के कुमराई पंचायत के डीलर की मनमानी है, जहां पर उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों से डीलर द्वारा राशन कटौती का मामला प्रकाश में आया है, जहां जन वितरण प्रणाली के दुकानदार शिव नारायण शाह द्वारा लोगों के बीच कम राशन वितरण एवं अधिक राशि लेने का आरोप लगाया गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने संबंधित स्थानीय एवं जिला पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया था। साथ ही स्थानीय पदाधिकारी से डीलर पर उचित कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे। अब देखना यह है कि पदाधिकारी के द्वारा डीलर पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है या डीलर की मनमानी जारी रहती है। बीटी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से पवन कुमार की रिपोर्ट। की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग की ये मांग है कि कुमरी के जो डीलर शिव नारायण शाह जी हैं, उनकी कुछ ज़्यादा ही मनमानी चल रही है। जैसे कि अनाज में कटौती, पैसे ज़्यादा लेना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो कि वह बहुत ज़्यादा अत्याचार के लिए चल रहे हैं। उसमें हम लोग अपने हक के लिए ये आज नारेबाजी कर रहे हैं और हक लेने के लिए। आप सबने लिखित आवेदन दिया है? हाँ दिए। कहाँ कहाँ दिए? मतलब प्रखंड के विकास पदाधिकारी और जिले में जो जिले के जो डीएम साहब हैं, कलेक्टर साहब, उसके दिए हैं और बहुत सारे जगह के दिए हैं। कितने दिन पहले दिए? मतलब 9 तारीख को। तो क्या अब तक कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेके ये आंदोलन में है? हाँ। क्या नाम हो गया आपको? पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कुमरी पंचायत। कितने वार्ड से? 7 वार्ड में। तो सरपंच साहब, इस वक्त जो है आपको ये जो आपके पंचायत में जो डीलरों की मनमानी हो रही है और जिसको लेकर के जनता जो है रोड पर उतर करके प्रदर्शन कर रही है, इसको लेकर के आपने अब तक क्या कार्रवाई की? कार्रवाई जो है जनता के द्वारा जो आवेदन बना है, उस आवेदन को उच्च पदाधिकारी तक जो है कंप्लेन भेजा गया है। और अभी हम अपने स्तर से लॉकडाउन के चलते जी, जब जनसंपर्क में जाएंगे तो भीड़ तो बढ़ेगी, फिर लॉकडाउन का उल्लंघन होगा और हमारे पड़ोस के पंचायत में जो कोरोना पॉजिटिव निकला हुआ है जी, इसलिए डीलर कुछ दिनों के लिए बचा हुआ है। उस पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना है। अगर प्रशासन इस पर जल्द से जल्द ध्यान अगर नहीं देता है तो लॉकडाउन खत्म होने तक जो है हम प्रतीक्षा में हैं, उसके बाद जो है हमारा रूप प्रशासन को समझ में आएगा जनता के प्रति। लेकिन लॉकडाउन खत्म होगा, इसके बीच में यदि वो डीलर साहब लगातार 2 किलो अनाज आम जनता का काट रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा? इस पर आखिर आप लोगों की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जनता के दबाव के बाद भी आप लोगों ने अब तक कार्रवाई नहीं किया है, ऐसा क्यों? जबकि आपके पास वो अधिकार है कि आप अपने स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, कार्रवाई किया गया है, वीडियो साहब को कहा गया है, एडीओ साहब को कहा गया है, आप जल्द से जल्द इस विषय पर एक्शन लीजिए। और दुखद गप है कि अभी तक जो है सिर्फ खाना पूर्ति हुआ, पूछा जाता गया है, कार्रवाई डीलर पर नहीं हुआ है। आप लोगों के आवेदन देने के बाद भी अब तक जो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या लगता है इसमें कौन कौन लोग मिले जुले हुए हैं? इसमें क्या कहिएगा, उच्च पदाधिकारी का भी इसमें सहयोग है, जो है डीलर को भी सहयोग कर रहा है, बहुत लोग है जो डीलर को बचाने का काम कर रहा है, इसलिए अभी तक बचा हुआ है। तो यह सिस्टम से कैसे लड़ा जाएगा? सिस्टम से जमीनी स्तर से शुरू करना होगा, ठीक है, जनसंपर्क करना होगा, जनसंपर्क करके नहीं होगा तो हम लोग को जो है भूख हड़ताल पे बैठना होगा। हम तो सोचे हैं लॉकडाउन के बाद जो है अगर इस डीलर पर कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होता है, इस डीलर को बर्खास्त करके, हमारा मांग है कम से कम 2 से 3 डीलर जो है मेरा पंचायत में जो है बहाल किया जाए, जो कि मतलब जनता की सुविधा होगा। मानते हैं कि आपके पंचायत में जो डीलर साहब है वो मनमानी कर रहे हैं? हाँ, मनमानी कर रहा है, किसी को नहीं गुदान रहा है, वो मनमानी तो कर ही रहा है। बावजूद इसके जो है अब तक कोई आला अधिकारी के द्वारा जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी कोई कार्रवाई हुआ है। अभी जनता को छोड़िए, आप क्या चाह रहे हैं इस चीज को लेकर के? हम चाह रहे हैं डीलर का जल्द से जल्द बर्खास्त हो, अपना पद से वो हटे और कम से कम 13 वार्ड का पंचायत है, 4 वार्ड करके एक एक डीलर को दिया जाए कम से कम, नहीं तो 3 डीलर का जो है बहाल किया जाए पंचायत में, और उसके बाद सुचारू ढंग से जो है जो राशन का वितरण होगा, क्योंकि उसका मनमानी तो चरम सीमा पर है। इससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जनता का परेशानी से हम भी खुद परेशान हैं, और लॉकडाउन तक हम देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, पदाधिकारी के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। डीलर का नाम क्या है? डीलर का नाम शिवन शाह है, डीलर उसकी पत्नी का जो है नाम से लाइसेंस है।
लेकिन मेन जो है वो ऑर्गेनाइजर कहिए या राशन विक्रेता कहिए, वो शिव नारायण शाह है। लाइसेंस उसकी पत्नी के नाम से है। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। दयानंद मिश्रा, कुमरी पंचायत, सरपंच प्रतिनिधि। मनमानी कर रहे हैं उसके विषय में आपका क्या कहना है? कुमरी पंचायत के डीलर जो 2 kg अनाज काट रहा है, जो मनमानी कर रहा है, इनके विषय हम जांच कर रहे हैं। वो यदि धरा जाएगा उसके कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जनता की आवाज़ है कि पूरी तरह से हम लोगों को नुकसान हो रहा है और मुखिया सरपंच कुछ नहीं कर रहे हैं, आगे क्या सोचें आप लोग? जनता लिखित में आगे गए हैं, हम लोग देख रहे हैं। यदि नहीं होगा तो हम लोग अपना लेटर पर उसका कानूनी कार्रवाई करेंगे। शिव नारायण साहब कुमरी पंचायत का डीलर है, ये मनमानी ढंग से शुरू से सबका अनाज पाती काट रहा है, देता है 28 किलो दाम, लेता है 30 किलो का, और ये कहने के बावजूद वो कहता है जाओ जहाँ जाना है जाओ, किस बात के यहाँ जाता है तुम जा सकते हो। हम काटते आए हैं और अभी भी काटेंगे। आपने क्या किया? फिर जनता जनक सभी मिल कर के मुखिया सरपंच को कहे, मुखिया सरपंच भी आए, आने के बावजूद मुखिया ने उसको समझाया तो बोलता है कि नहीं, जो काटते हुए आए हैं अभी भी काटेंगे। मुखिया जी इसमें आप पहल मत करिए। हम लोग सभी आदमी दरख्वास्त बना करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए, हेमो साहब को दिए, जिला को दिए, अनुमंडल दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपको जिला प्रशासन से क्या मांग है? मांग है मेरा यही कि जो 2 kg राशन काटा जाता है ये नहीं कटना चाहिए। ऐसा डीलर मनमानी ढंग से करते आया है, ऐसा डीलर नहीं चाहिए। इसका लाइसेंस कैंसिल रद्द किया जाए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ विदेशी दास। घर कुमरी हुआ। क्या नंबर वार्ड से आते हैं आप? 13 नंबर वार्ड।